हम यूं ही किसी घटना से पहले या घटना के बाद भी गांव और घरों से जुड़े रहते हैं, तो हमें मालूम है उन घरों से आने वाले जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, अर्धसैनिक बल के जवान हैं, उनके माँ बाप पर क्या गुजरी है। हम इस घटना की भावना से नहीं बोल रहे हैं, मगर उनकी तकलीफ को बहुत लंबे समय से कवर किया है हम लोगों ने, इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके जज्बातों में ईमानदारी है तो अर्धसैनिक बलों के पेंशन के लिए एक लड़ाई लड़ लीजिए। वो रिक्शा वाले, ठेले वाले, टेम्पो वाले किसान मजदूरों के घर से आते हैं, वो आ रहे हैं 3 मार्च को, और अपनी अपनी राष्ट्रभक्ति का इम्तहान उनके साथ खड़े होकर दे दीजिए और जाकर ट्वीट कीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी हम भाषण बाद में सुन लेंगे, पहले इनको पेंशन दे दीजिए और ये जो सुविधाएं मांग रहे हैं वो दे दीजिए, ताकि हम इनसे आंख मिला सकें कि तुम्हारे अच्छे दिनों में भी हमने तुम्हारी लड़ाई लड़ी थी, तुम्हारी जिंदगी के लिए भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये पुरस्कार उन्हीं के लिए है। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी और एनडीटीवी की टीम, सुपर्णा, सोनिया, सुनील, बाबा।